हेलो व्हाट्सअप गाइस, वी बॉट ही गेमिंग हाउस और ये देखो अक्षय खाना खा रहा है जस्ट लाइक द लास्ट व्लॉग। पिछले व्लॉग में तो यही कर रहा था, इधर ही बैठा था। हाँ खाओ यार खाओ, रूटीन पिछली बार लेकिन मैं 4:30 बजे आई थी तभी भी क्या आज तो ये ब्रंच है गाइस, ये हो रहा है डोसा ब्रंच हो रहा है ये, ठीक है। पिछली बार लंच हो रहा था और धीरज भी है यहाँ पे, हेलो आदि वहाँ पे बता नहीं लेटे किससे बात कर रहा है। और हम लोग आए हैं आज विंग्स का कोई तो शूट होने वाला है जो मुझे पता है ऑलरेडी क्या है। लेकिन अंकिता 20 मिनट में कैसे आ गए? 20 मिनट में आई हूँ आज गाइस मैं गेमिंग हाउस आज जैसे 20 मिनट में पहले की देख, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरे घर से 10-15 मिनट है, ठीक है। और अभी नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है ना, तो मेरे को अर्ली एक्सेस दिया। हाँ वालो जैसे मेरे को अर्ली एक्सेस दिया कि मैं जाऊँ। हाय हेलो, और हेलीकॉप्टर से इधर आओ। हेलो कहाँ लेट, मुझे तो सिर्फ अक्षय दिख रहा है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सिर्फ अच्छा था भी मेरे को। हे गाइस हम लोग आए हैं विंग्स के शूट पे, अभी 10 दिन रुक के जाएगी ऑफिस। हाँ यार अभी परसों को दूसरा शूट है ना, तो कल भी रुक ही जाती हूँ, परसों भी रुक ही रील बनानी है इसको, मेरे पास आइडियाज है। एक्चुअली तेरे पास भी आ रही है? फर्स्ट टाइम सुना है मैंने इसको। पिछली बार बोला आईडिया, तो पिछली बार बोला था, तो अभी आइडिया लाया ना। देखो गाइस मेरे पास एक है, पहली बार मेरे पास एक है। तू भी आइडिया लाया गाइस, बिंग्स भी आइडिया लाया है। अब तू इंस्टा पे ये देख, ये वाला करेंगे हम, ये तो अपन तीनों करते हैं ना एकदम स्टॉक मार्केट हाइप जैसे। मैं हाँ तीनों मंकी रहेगा ना, फ्रंट मंकी क्या होता है हाइप के हिसाब से करना, तो माफिया पुलिस एक्सेलेरेटर मत अच्छे से चिन ब्लॉग गाइस माफिया चिन ब्लॉग ऐसा बोल लेंगे, ऐसे बोला करो, ऐसे देखते हो गाइस माफिया, ऐसे बोला करो नीचे, तुम ऐसे देखो नीचे भाई, यहां तक आती क्या आते आई लेवल, ये देखो गाइस। अरे बाबा माफिया मेरे को ऊपर जाके दुनिया दिखा रहा है, ऐसे ऐसे बोला करो, मैं तो ऐसे देख रहा हूं। बच्चों को मारता है ये, वो खुद टकराते मेरे से आके, मैं ये गया भाई माफिया शादियों में बच्चों को मारने जाता है, देख लो गाइस बात बेबी हिटर्स। तो मैं क्या बोल रही थी गाइस, मेरे पास एक बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम आइडिया है जरीफ के साथ, ठीक है। मैं डर रहा हूँ किसी, क्या क्या आइडिया है? मैं गेको बनती हूँ, थ्रैश बन के जाना है। कितनी बार बोलेगा तू, तो मेरे बिरादरी का है, तू भी तो सोकर खेलता है, मैंने कंट्रोलर खेलता है, कभी कभी खेलता है ना, मतलब ये सिर्फ जेट लेके स्मोक करता है। हाँ वो भी बात है, 2 सेकंड में शॉर्ट ड्यूरेशन। इमेजिनेशन खराब है, इतने अच्छे आइडिया ला दिया। ना 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 सॉरी, नो नो आई रिजाइन, आई गो होम, कोलकाता जा रहा हूं क्या मछली का ना, अब एक्सटेंड कर रही है ये। ओए ये देखो गाइस कौन जाग गया है शाम को, ओए जाग गया, 2-3-4 घंटे से इंटरव्यू दे जा रहा हूं सिर्फ मैं। तो आई थी गाइस गोल्ड बॉय के रूम में, सो रहा था मॉडल नीचे, इंटरव्यू तो नहीं चल रहा था, तो उससे पहले इंटरव्यू दे रहा था, फिर सोया, फिर वापस उठ के इंटरव्यू दिया, ऐसा हुआ। अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो इंटरव्यूज हो रहे। और कैसा लगा न्यूज व्यूज में यार, एकदम The nation wants to know. उसका तो कोई आइडिया ही नहीं था, उसका तो थर्ड में ब्रॉडकास्ट में तब पता चला मुझे कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। उसको कुछ 1 घंटा पहले पता चला था। हाँ। और मैं प्लेग्राउंड के शूट में था, वहाँ पे वैनिटी में दिया मैंने वो इंटरव्यू, इसलिए मेकअप फेकअप लगा हुआ है। हाँ वही मैं सोचू कि मॉडल इतना प्रोफेशनल दिख रहा है, तक फुल गेमिंग सेटअप में आया हुआ। और कैसी है? कैसा था? और मोदी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। Hey, Hi, Hi.
मोदी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। कैसे उनको मोदी जी बिग फैन मेरी बात की हाँ। क्या बात की? मैं बोला वो ये रूम में है अभी आपको दिख नहीं रही है गाइस मैं थी वहाँ पे यार मैं भी थी फोटो में थी किसके पीछे मोदी जी के पीछे हाँ मोदी जी के पीछे मैं खड़ी थी कवर हो गए थोड़ी कवर हो गए और हम मैचिंग चल रहे हैं अभी हम लोग थोड़े से रील्स बनाने वाले हैं मेरे पास बहुत सारे रील्स आइडियाज हैं सो अब मैं वो शूट करूँगी और फिर मिलता है। गुड मॉर्निंग सही है हा? मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पे मुझे लगा तुम अपने नए रूम में हो। आप क्या बोल रहे हैं मेरे से बहुत लेट उठते हैं तुम लोग रात में जल्दी सो के अभी कैमरा चालू बताऊंगा नहीं आप बताए आप गाड़ी निकाले पहले वाइपर अच्छी गाड़ी निकालने वाला है नहीं अभी मैंने फ्रेश लाइम जूस पिया एक्चुअली वाटर मेलन जूस फ्रेश लाइम पिया आप खाए वाइपर हम गाड़ी देख के आते हैं सो क्यूट मेरी मम्मी बताए इतने छोटे छोटे डोसा बनाते इतने छोटे छोटे बहुत सारे डोसे चार बाइट में खत्म है ये तो इतने छोटे छोटे डोसे खाए कभी इतने छोटे छोटे ये भी छोटा ये ही नहीं खाया मैंने कभी आज तुम आयो शायद इतने बनाए अभी दूसरा आएगा अभी तीसरा भी आएगा आप पहले एक गाड़ी निकाले अरे चले 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 ये देखो ऐसे इतने मस्त कलरफुल काउचेस आए हैं हमारे फूड कैंप में मैं पहली बार देखी हूँ जब लास्ट मतलब शूट हुआ था तब पुराने वाले काउच थे फिर तब बहुत सारी चीज़ें गिरी थी काउच पर मैंने देखा था जूस गिरा था लोग गिरे थे गिरी हुई थी बहुत सारी चीज़ें काउच पे सो नया बनाना पड़ा सारे नहीं आजकल एक तो जिसके साथ तुम गाड़ी चलाने जा रहे हो मैं गाड़ी वाला रील बना सबसे ज्यादा गिरा हुआ है सबसे ज्यादा गिरा हुआ इसलिए इतना डाउन टू अर्थ है वो ये गिरा हुआ अंडरग्राउंड है वो अंडरग्राउंड है वो अंडरग्राउंड इतना गिरा हुआ है सही है चलो चलो ड्यूटी वैन के आए हैं वैसे बाहर ही जाना था मेरे को नाइस बाल कटाने अच्छा अभी आपको नहीं चाहिए ये इतना सामने सोच रहा हूं चेंज करें नया लुक अच्छी बात है गाइस हमारा हो गया है एक और रील शूट आज तो आइडियाज पे आइडियाज ही लेके मैं तो फुल हम दोनों के आइडियाज रहते हैं ये वाला अक्षु का आइडिया था पिछली बार जब मैं गेमिंग आता नहीं तो उसको बोला था कि अगले बार मैं आऊं थैंक यू अगले बार आने तक आइडिया रेडी होना चाहिए आइडिया रेडी तुम्हारे थे रेडी होना चाहिए ऐसे वार्निंग देके गई थी मैं इसको हां डर देखा मेरा सीधा आके शूट कर लिया इसने तुम बड़ी बहन हो ना 28 साल का हां छोटी होता लेकिन सुनो तुम्हारी डर अब खौफ है मेरा टुडेज वेदर इज क्लाउडी वेदर अच्छा है 5:30 सो गाइस सारे शूट हो गए हैं आज के इतनी रीले बनाई है मैंने इतने लोगों के साथ मॉडल के साथ एक बनाई है रेगा के साथ एक बनाई है और अक्षय के साथ दो बनाए हैं और ज़रीफ के साथ कुछ नहीं बनाया है इसको बोल रही हूँ मैं बट सुन मुझे रील बनाना देखो मुझे रील के आइडियाज़ आती नहीं है तो मैं इसको बोला कि मुझे रील आइडियाज़ दो मुझे बनाओ मुझे समझाओ कि रील बनाना कैसे होता है यू बी माई सेंसेई इन दैट थिंग इट्स ऑन यू ब्रो आई एम द बॉस नो यू नो बॉस द वन एंड ओनली क्या होता है कराटे जाती थी मैं तुम कराटे सीखी हो हाँ कितना बेल्ट है बेल्ट मैंने मारा रिफ्लेक्स मुझे लगा खाना गिर गया था तुम्हारे बेल्ट में येलो वन ठीक है येलो के बाद येलो वन आता है तो दो स्टेजेस किए मैंने कराटे के येलो आते ही नहीं है ना वाइट येलो वो तुम्हें घोचू बनाया गया था कोई येलो नहीं येलो बेल्ट होता है
येलो वन। अरे सर वो रिबन नहीं था? नहीं वो गिफ्ट रैप करने का नहीं, बहुत अच्छी थी यार। मैं देखा ना मेरा रिफ्लेक्स कैसे, पता भी नहीं चला इसको मार के। वो सब ठीक है, येलो के बाद क्या हुआ? फिर मेरा गर्ली टीनेज फेज है, आई वाज लाइक कराटे, नो आई वांट हैना मोंटाना। डाउनग्रेड वाज आल्सो अ फेज। लेजिट आई चेंज एज अ पर्सन व्हेन आई हिट 13। व्हाई एट 13? ठीक है भाई, वेरी अर्ली इट वाज, वेरी अर्ली। यार पहले मैं खेलती थी, मेरे बिल्डिंग में ना मेरे एज ग्रुप में लड़कियां काफी कम थी, 4-5 ही थी हम लोग। यू हैड द गाइस ग्रुप? हां, आई वाज फ्रेंड्स विद दीस गर्ल्स आल्सो, 3-2 गर्ल्स। हां मतलब मेनली गाइस ग्रुप, मोस्टली ऐसे 20 लड़के एंड देन 2 गर्ल्स, मतलब हमारे एज ग्रुप में लोग ही इतने थे। हां मैं समझ गया। सो आई यूज्ड टू प्ले बेब्लेड। अच्छी बात है, तो सही है। द गर्ल्स हु हैव दिस बिग गर्ल गैंग ना, वो पता नहीं थोड़ी सी ऐसे छुई मुई सी होती है, मतलब पता नहीं, देयर लाइक अ लिटिल डिफरेंट। फेमिनिन? नो, तो आप तो का तुम लड़का हो तो नहीं, मतलब मैं भी हूँ यार फेमिनिन, मैं थोड़ी सी पहले भी ऐसी या ऐसा आप मारते ऐसे वो ऐसे ईगो बूस्ट मत करो, ईगो बूस्ट करा लिया अपना, कराचे बंद कर दिया मैंने एकदम। ठीक है, मैं भी येलो बेल्ट हूं अभी। बढ़िया, पहले मेरे पास बहुत सारे बेबलेट्स थे, पहले मैं पोकेमोन देखती थी, पहले मैं सब करती थी, फिर बोला ना, फिर मैं एकदम यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। मैंने एक पाप नहीं किया जानते हो, ना ही मैंने कभी, मतलब जस्ट सेम, मतलब ये सब कुछ ऐसा चीज़ है ना, हारमोनडाना मैरमोनडाना भाई कुछ भी ऐसा, स्कूल में लड़के थे जो ये देखते भी थे, मतलब मैंने देखते कैसे हो। हाँ मेरे बिल्डिंग में जो फ्रेंड्स थे ना लड़के, बॉयज़ को मैं 12वीं के साथ भी खिला दी थी। तुम जानते हो कि तुमने कुछ लड़कों का जिंदगी बर्बाद की है? अगर हम बेबलेड के साथ खेल सकते हैं, हम ये सब खेल सकते हैं, मेरे पास Bro, हम सब कर सकते हैं, तो वाइज जेंडर या साथ ही वाइज बार्बी जेंडर कैन भी तो है उसमें, खेलते थे यार हम लोग भी बार्बीज के साथ। मेरे पास अभी भी है, पता है, मेरे सारे बार्बी कलेक्शन, क्लोजेट, शूज, सब था भाई मेरे पास। नहीं ये कोई पॉइंट नहीं होता, आई कांट एक्सेप्ट इट। सब खेलती थी मैं, तुम पकड़ा पकड़ी भी खेलती थी, बार्बी भी खेलती थी, खिलाती थी लाइक लिटरली फोर क्यों नहीं बार्बी तो थी नहीं ना, और लड़कियां बिल्डिंग में क्या करूं मैं, तो लड़कों को बिठा देती बार्बी के साथ, तो किसके साथ खेलूं मैं, घर घर किसके साथ खेलूं मैं, उन लोगों को पकड़ूंगी ना, चल इधर आ, किसके साथ खेले यार, लाइक यार यू गेट इन अ लॉट ऑफ फाइट्स एज अ चाइल्ड। सी आई एम गेटिंग इनटू द साइकोलॉजिकल थेरेपी। हां ये ऐसी थी, ठीक है। सो गाइस, हो गया मेरा आज गेमिंग हाउस में सारे शूट्स, अब मैं जा रही हूँ पिंकी और बेंग्स के पास। सारे नहीं हुए, हाँ एक चीज़ रह गया, क्योंकि वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया, एक्चुअली लेफ्ट और राइट में ही है वो सब। और अभी पिंकी और बेंग्स थोड़ा पास रह रहे हैं बूट कैंप के, तो मुझे उमंग ही ड्रॉप कर रहा है, बट उमंग की गाड़ी नहीं चल रही है। सूथ है यू? बैटरी क्या है गाड़ी का? कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी गाड़ी से जाएगी गाइस, बहुत दिन से चली नहीं थी करके ये निकाल रहा था, लेकिन आज भी नहीं चली, नो प्रॉब्लम, कल सुबह देखना। यस गाइस, मैं 1.5 आवर पहले आई थी, मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग कर रही थी पूरे दिन। हाय पिंकी, अभी यहाँ पे जो शॉक दिया इसने, ओह क्या रिएक्ट किया मैंने एकदम सडनली, फोन देखते देखते रील देख रहे थे हम लोग दोनों बैठ के, सडनली फोन देखते मुझे याद आया, अरे यार व्लॉग कर रही थी मैं तो। गाइस हमने मंगाए हैं पिज्जा खाएंगे, फिटनेस का जब भी आता है हम लोग कुछ अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। यहाँ के सारे रेस्टोरेंट्स को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए जब मैं आती हूँ, कि हर बार कुछ अलग अलग ट्राई करते हैं, एकदम मूड के हिसाब से ट्राई करते हैं हम लोग। आज नूडल्स, आज पास्ता, लास्ट टाइम राइस खाया था, हाँ वो गोभी मंचूरियन क्या मस्त था वो, लेकिन बहुत अच्छा था। अब हम कर रहे हैं चिल, विंग्स कर रहे हैं वॉच पार्टी, उसकी वॉच पार्टी खत्म होगी फिर हम करेंगे और चिल और खाएंगे भी साथ में, तो अब पिज्जा आएगा तब अपडेट दी। गाइस फुल हमने रील शूटिंग कर ली है, ये देखो नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के हम लोग नहाए भी नहीं है, बट रील शूटिंग इम्पॉर्टेंट है, सो हम अभी उठते ही रील्स बनाने लग गए, वी आर डन शूटिंग रील्स। अब बिंग्स का वॉच पार्टी हो रहा है, वॉच पार्टीज हो रही है यहाँ पे, बहुत भयंकर हो रही है, खाने वाने के साथ फुल सेटअप गोइंग ऑन, लॉगिंग चल रही है मेरी, लॉगिंग चल रही है, मेरा एनिमे कलेक्शन दिखाया, एनिमे कलेक्शन देखे, वाओ द जॉर्ड एनिमे कलेक्शन, वाओ। अच्छा नीचे सामान रखा है, ठीक है यहाँ तक एनिमे कलेक्शन है, यहाँ तक देख, नीचे का हटा क्या, 69 रखा हुआ है विदाउट बैरियर, अगर कुछ टूटा तो डबल फाइन है, डबल। ये देखिए फुल एनिमे कलेक्शन ऑफ द बिंग्स,
69s. चल ये बंद करके अब हम जाएंगे वापस से हॉल में. हो गया है गाइस, अभी मेरा लॉन्ग ट्रैवल ट्रिप हो गया है. अब हम बैठेंगे, थोड़े से क्लिप्स शेयरिंग करेंगे एंड देन वी विल गो होम. सी यू गाइस घर से. और गाइस हम देख रहे हैं डॉक्टर. ये मेमोरीज, इतना क्यूट इज ये, देख रहे हैं इतना क्यूट क्यूट क्यूट. और गाइस अभी पिंकी दिखा रही है पिंक्स का प्रोफाइल. ये क्या है? भालू बना रखा है, बंदर बना रखा है उसका. मैंने मेरी बहन के इसमें क्या किया है पता है? बंदर का फोटो, ये वाला बंदर नहीं, दूसरा जो एक्चुअल मंकी वाला नेशनल ज्योग्राफिक से, वो बंदर डाल के मोटी नाम लिखा है. बॉडी शेमिंग उनकी. इट्स नॉट बॉडी शेमिंग, इट्स सिस्टर नेम. गुजराती में बड़ी को मोटी बोलते हैं. नहीं नहीं, मेरी बहन है, मैं उसको मोटी बुलाती हूँ. गुजराती वाला नहीं, मोटी बुलाती हूँ. यार हम तो अपने भाई बहन को ये सब नहीं बोलेंगे तो क्या बुलाएंगे? प्यार से थोड़ी बुलाते हैं, समझ रहे हो? ऐसे बुलाते हैं. गाइस 4 घंटे पहले मैं जा रही थी घर एंड हियर आई एम. पिंकी के घर के इमली देख रही हूँ. फ्रूट स्टोन्स पत्थर के लाने मुझे. नहीं नहीं गाइस इधर अभी अभी वो क्या बोलते हैं मच्छर मारने का वो पूरा स्प्रे किया ना, तो मेरा दिमाग थोड़ा गया हुआ है. अभी मैं क्या क्या चीजें बोली हूँ वो मैं बताऊंगी नहीं. हम लोग बहुत हंसे लेकिन मेरा IQ ड्रॉप हो रहा है मच्छरों के लाइट्स के साथ. बजिया भाई ने बोला यार अंकिता मैडम आ रही है दरवाजे से लिफ्ट तक, उनके लिए रास्ते से सारे मच्छर हटाने पड़ेंगे. सो हाउ थॉटफुल ऑफ हिम. अच्छा अच्छा देखो मेरे बारे में सोच रहा है. और यहाँ पे गाइस एयर फ्रायर में बन रहे हैं फ्रायम्स ऊपर से न्यूट्री फ्राई. यहाँ पिंकी मेरे लिए फ्रायम्स बना के दे रही है किस मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ और मेरे को यूनिक स्नैक्स लग रहे हैं. बट आइए अभी निकलेंगे फिर मैं बताती हूँ कैसे दिख रहे हैं. पहली बार बना रहे ना पिंकी, फर्स्ट टाइम बना रहे. तो फ्रायम्स बना है बट ये वाला ये इसमें पहली बार ऐसे करें तो हम अभी होप कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा बने. मिशन फेल, ये वाले तो गैस से ही फ्राई करनी पड़ेगी. बट ये वाले हैं जो शायद फ्राई कर सकते हैं, ये हो सकता है. ये ट्राई करेंगे हम. रेड वाला किया था आपसे एनर्जी, आपको हम गैस पे डालेंगे कोई बात नहीं. गाइस हम ऐसे ही खा रहे हैं इसको क्योंकि इसका और कोई ऑप्शन नहीं है. और ये देखो इतना क्यूट सा मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर मिला. रेड कलर के होते नॉर्मली, अभी ब्राउन कलर का हुआ है. पिंकी यू लाइक दिस फायर एक्सटिंग्विशर? वैसे नहीं लग रहा एग्जैक्ट, वैसे नहीं लग रहा गाइस. पता नहीं कैसे लेकिन 9:30 बज गए मैंने नोटिस किया तो मैं जल्दी जल्दी कैब बुक करके निकल गई क्योंकि मुझे वापस भी जाना था और स्ट्रीम स्ट्रीक मेरी ब्रेक हो ही जाती है अगर नहीं पहुंचती तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू गाइस एंजॉय द ब्लॉग. सी यू इन द नेक्स्ट वन.